नमस्कार सर, नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? कमेंट में बताइए मुझे। नमस्ते सर, देवेंद्र जी जोशी सर, विशाल सिंह देवेंद्र जोशी आ गए सर। स्वागत है सर आपका, सभी का अपना आज का काव्य पाठ स्टार्ट करते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ एवं माँ शारदे को प्रणाम करने के लिए चार पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि जब भी हाथों में कलम उठाऊँ तेरा ही गुणगान हो माँ, जब भी हाथों में कलम उठाऊँ तेरा ही गुणगान हो माँ, तेरा नाम जपने के बाद ही सृष्टि का बखान हो माँ, हंस वाहिनी विद्या दाहिनी को मंजूर माही का प्रणाम हो माँ, मंजूर माही का प्रणाम हो माँ, और जग के सारे देशों में श्रेष्ठ मेरा हिंदुस्तान हो माँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओज में लिखता हूँ, वीर रस में लिखता हूँ, तो मेरा इंडियन आर्मी पर सर्वाधिक लिखा मैंने, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सैनिकों से स्टार्ट करता हूँ कि सत सत वंदन प्रणाम कर उनको मैं, होला दी हाथों में हथियार धरे बैठे हैं, ख्वाबों में जनक जननी की तस्वीर देखे मिलने की इच्छा बेकरार धरे बैठे हैं, चाह कर भी बहन की विदाई में शामिल हो न सके, इन सारे गमों का पहाड़ धरे बैठे हैं, इन सारे गमों का पहाड़ धरे बैठे हैं, सीने पे गोली के चाप चिन्ह लिए खड़े हैं, कंधों पे भारती का भार धरे बैठे हैं। नहीं सर, बताइए सर कैसा लग रहा है? अगला बंद पढ़ता हूँ सर, इतिहास से उठाता हूँ सर, एक अगला छंद इतिहास से उठाता हूँ कि आर्यव्रत की धन्य धारा की कहानी बलिदानी बागियों की बगावत बोलती रही, कि आर्यव्रत की धन्य धारा की कहानी बलिदानी बागियों की बगावत बोलती रही, अशफाक तिलक भगत आजाद जैसे कई शहीदों की शहादत बोलती रही, राजे महाराजे सब हो गए नीलाम जब क्रांति की दीवानी मर्दानी बोलती रही, क्रांति की दीवानी मर्दानी बोलती रही, एक लक्ष्मी बाई ने जगाया जोश यहाँ तो लाखों लक्ष्मी बाई की जवानी बोलती रही। धन्यवाद सर। अब एक बंद और पढ़ता हूँ कि सैनिकों पर अनेक अनेक टिप्पणियाँ कर दी जाती हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं एक बंद पढ़ता हूँ कि वो क्यों अपने परिवार माता पिता को छोड़कर भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं सरहदों पर। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आप तक बता पहुँचाता हूँ पंक्तियाँ। कन्हैयालाल जी सर भी आ गए सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, लोकेश मीणा, चलो। कि क्यों वो अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, कि जाड़ों की रातों में साहसी बातों में हवाओं की लातों में मुस्तैद रहते हैं, कि जाड़ों की रातों में साहसी बातों में हवाओं की लातों में मुस्तैद रहते हैं, शीत में गाते हैं गीत प्रीत मीत रीति संग भारती माता को चुस्तैद कर देते हैं, और वीर तकदीर को याद करते हुए जवान जेब से बूढ़ी माँ की तस्वीर देख लेते हैं, जेब से बूढ़ी माँ की तस्वीर देख लेते हैं, मान मर्यादा मिटे नहीं माता भारती की, इसीलिए रोज गोलियों को चूम लेते हैं। थैंक यू। कृपया आप तालियां बजा नहीं सकते यहाँ, लेकिन कमेंट में बताते जाइए, कमेंट करते जाइए, इससे क्या एनर्जी मिलती रहेगी। अभी के तालियां आप बजा नहीं सकते,
जी अब आगे एक और बंद आप तक पहुंचाता हूं। एक मेरे हीरो है इस देश के नौजवानों के, मैं उस हीरो नौजवान हीरो का उसके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे भी कि बचपन में ही था उफान उसकी रगों में, खेतों की माटी में हथियार बोया करता था। कि बचपन में ही था उफान उसकी रगों में, खेतों की माटी में हथियार बोया करता था। गोरों से गुलाम की जंजीर को खंड खंड करना, रगों में उफनता ले उफान लेता लहू बोला करता था। गोरी सरकार की नींव जड़ से हिलाने को, इंकलाबी भाषा का सैलाब लाया करता था। भारत आजाद हो गुलाम का मुक्ति मंत्र मिले जोश जान, जवानी वतन के नाम करता था। ये सर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के लिए पंक्तियां थी मेरी। अब मेरी एक छोटी सी कविता है मेरी कि पाश्चात्य संस्कृति पर, पश्चिमी संस्कृति के हम किस प्रकार उसके चंगुल में फंस चुके हैं और अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। ये है मेरी कुछ कविता है, छोटी सी रचना, कृपया आप बताते रहें कमेंट में। लोकेश मीणा थैंक यू, विशाल सिंह थैंक यू। स्टार्ट करता हूँ। महेश कुमार वाह वाह, भगत सिंह गजब, थैंक यू सर। अब मैं अपनी एक पश्चिमी संस्कृति पर एक कविता मेरी छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल में फंसे बैठे हैं, हनी सिंह बेबी कट के फैशन में धंसे बैठे हैं। अर्थी निकली जननी जनक को भूल गए, एकांत रहना पसंद है करते संयुक्त परिवारों के रूल गए, एकांत रहना पसंद है करते संयुक्त परिवारों के रूल गए। पन्ने पलटना छोड़ दिया है गीता जैसे ग्रंथों का, ना ही चरण स्पर्श है करते योगी साधु संतों का। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के इतिहास जुबान पे हैं, आजाद भगत सुभाष पटेल के चरित्र न हमको भान में है, आजाद भगत सुभाष पटेल के चरित्र न हमको भान में है। कुत्ते के बिस्किट जेब में रहते गाय की रोटी भूल गए, कुत्ते के बिस्किट जेब में रहते गाय की रोटी भूल गए। पिता की झन्नाटेदार झांपट भी लगता फांसी पर झूल गए, पिता की झन्नाटेदार झांपट भी लगता फांसी पर झूल गए। लंगोटिया मित्र भूल चुके हैं मतलब यार बन गए हैं, हर पल पैसा यही रट लेकर ठन गए हैं, हर पल पैसा यही रट लेकर ठन गए हैं। पश्चिमी अग्नि देकर आ गए हैं हम रिश्ते नातों की अर्थी को, पश्चिमी संस्कृति के अनुकूल बनाई गृहस्थी को, पश्चिमी संस्कृति के अनुकूल बनाई गृहस्थी को। घी दूध से नाता तोड़ा पिज्जा बर्गर खाते हैं, बच्चों को कुरकुरे व इडली सांभर बाते हैं। अब तो उठ जागो भारत को सुदृढ़ बनाएंगे, अब तो उठ जागो भारत को सुदृढ़ बनाएंगे, सनातनी सभ्यता को वापस जीवित बनाएंगे। बच्चों में संस्कार घोलता वातावरण बनाएंगे, बच्चों में संस्कार घोलता वातावरण बनाएंगे। वीर शहीदों की गाथा को बारंबार सुनाएंगे, वीर शहीदों की गाथा को बारंबार सुनाएंगे। सरहदे रक्त वाहन करें तो अर्पण करेंगे जान को, सारे मिलकर विश्व गुरु बनाएंगे हिंदुस्तान को, सारे मिलकर विश्व गुरु बनाएंगे हिंदुस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी सर, प्रणाम सर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश मीणा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, थैंक यू विशाल भाई। अब मैं एक छोटी सी और आप तक पहुंचाता हूं पंक्तियां आगे। थैंक यू सर। मैं अब एक पुलवा आपको पता होगा कि 14 फरवरी 2019 को एक घटना घटी थी पुलवामा घटना, उसमें 44 जवान देश के शहीद हुए थे। उसमें मैं कुछ मेरी पंक्तियां हैं कि क्या हुआ था वो मंजर आपके जहन में उतारिएगा। कि दुनिया के युवा मदमस्त थे महबूबा के बालों में, कि दुनिया के युवा मदमस्त थे महबूबा के बालों में। उस दिन भारत माँ के लाल साथ थे महाकालों के,
बोटी बोटी मिला अंशता सोए लालो केशव का, जर्रा जर्रा सन्नाटे में डूबा था सारे भव का, जर्रा जर्रा सन्नाटे में डूबा था सारे भव का, नींद चैन उड़ गया था उस दिन सुनकर पुलवा में घटना, नींद चैन उड़ गया था उस दिन सुनकर पुलवा में घटना, देश का कोना कोना रोया और प्रयागराज पटना, आतंकवाद ने निहत वीरों का खून बहाया, आतंकवाद ने खून बहाया था, उरी का हमला लगता उस दिन जीवित होकर आया था। मेरे आपसे दो पंक्तियां में आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उस दिन वैलेंटाइन डे था तो मेरी कुछ पंक्तियां कि ना ही वैलेंटाइन डे मनाए ना ही सेज सजाए, उसी दिन लिखी थी मैंने 14 तारीख को, 14 फरवरी को लिखी थी मैंने ये कविता कि ना ही वैलेंटाइन डे मनाए ना ही सेज सजाइए, कुर्बान हुए लालों को अर्पण शोक दिवस मनाइए। थैंक यू सर, कन्हैयालाल जी सर शुक्रिया सर, लोकेश मीणा शुक्रिया, कमेंट भी कर दीजिए। अब मैं अपनी एक और पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शहीदों पे पढ़ता हूँ कि आज़ादी के वक्त की कि आज़ादी में किस प्रकार आज़ादी मिली, कि बाहर रक्त समरांगण में आज़ादी हमको दे डाली, कि बाहर रक्त समरांगण में आज़ादी हमको दे डाली, चीर दिया दुश्मन का सीना बोलकर जय महाकाली, अरे बोलकर माँ भारती की आरती उतारी थी, दुश्मन पानी को तरस गया उसकी महिमा उनकी महिमा भी न्यारी थी, माता पिता परिवार से ज़्यादा मातृभूमि पर मरते थे, शत्रु की सेनाओं पर कहर बन बरसते थे, उनको सत सत वंदन करूं वतन ही जिनकी जान था, उनको सत सत वंदन करूं वतन ही जिनकी जान था, और हिंदू मुस्लिम धर्म से ऊपर केवल हिंदुस्तान था। शुक्रिया सर विशाल, शुक्रिया लोकेश, शुक्रिया भाई। अब आगे और पढ़ता हूँ एक पंक्तियाँ, मेरे कुछ सेना पे पढ़ देता हूँ कि उनके बारे में बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, आपको बताओ तो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आतंकियों ने जब आतंक मचाया तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया सेना ने, पाक की धरा में घुस कर गोलाबारी की, गीदड़ों को गोलियों से भून दिया सेना ने, गीदड़ों को गोलियों से भून दिया सेना ने, और सेना को बलात्कारी बतलाने वालों सुनो, सरहद पर दिया था लहू बार बार सेना ने, सरहद पर दिया था लहू बार बार सेना ने, कुर्सी के चक्कर में मत इट लाओ तुम सरे माम मारे जाओगे घर ठान लिया सेना ने। शुक्रिया। अब मैं एक वीरों पे एक मुझे कुछ पंक्तियाँ वीरों पे कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि मातृभूमि पर जब संकट गहराया तो अस्त्र शस्त्र अन्य हथियार थामे वीरों ने, कि मातृभूमि पर जब संकट गहराया तो अस्त्र शस्त्र अन्य हथियार थामे वीरों ने, भरकर हुंकार दुश्मन को चीर डाला त्राही त्राही मान को करा दिया था वीरों ने, त्राही त्राही मान को करा दिया था वीरों ने, और कितने शत्रुओं को तो छोड़ दिया था यूं ही, रण में दिया था जीवन दान कई वीरों ने, और रण में शहद पाकी किया उपकार हम पर, भारत की माटी को लहू से रंगा वीरों ने। एक और बंद आप तक पहुँचाता हूँ, थैंक यू, आप इसी प्रकार कमेंट करते रहें ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, तालियां आपसे मांग नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। एक बंद और पहुंचा था कि रण में देकर बलिदान माता भारती को आरती उतारने का मन करे वीरों का, चीर कर दुश्मन की छाती किया पाक भारती को, कोटि से अभिनंदन है वीरों का, कोटि से अभिनंदन है वीरों का, देश के जयचंद चाहे करे बेवफाई इससे, बंकिम धरा पर मिटे नाम नहीं वीरों का, और प्रश्न ये दिलों में गूंजता है आज सब के कि कब तक तिरंगे सब आएंगे वीरों का। शुक्रिया। एक छोटी सी चार पंक्तियां और सौंपता हूँ कि मेरे
भारत की माटी सोन चिड़िया आज भी कहते हैं, मेरे भारत की माटी सोन चिड़िया आज भी कहते हैं, मादरे हिंद पर मर मिटने वाले आज भी रहते हैं। चाहे इस देश के नेता कहे कुछ भी मगर सुन लो, शहीदों की शहादत के नाम आंसू आज भी बहते हैं। शुक्रिया विशाल लोकेश, थैंक यू, शुक्रिया। अब आगे और कुछ पंक्तियां, अब मेरे राजस्थान के लिए पंक्तियां पहुंचाता हूँ, राजस्थान के लिए पंक्तियां पहुंचाता हूँ मेरी। मेरे राजस्थान के लिए कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि वीर साहसी रण बांकुरों की धरती है, अदम में अटूट देश प्रेमी लोगों का ये राजस्थान, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज जैसे लोगों की वीरता की वार्ताओं का गढ़ है ये राजस्थान, वीरता की वार्ताओं का गढ़ है ये राजस्थान। पन्ना काली हाड़ा रानी जैसी मर्दानियों की, पन्ना काली हाड़ा रानी जैसी मर्दानियों की वीरता की गाथा सुनाता है ये राजस्थान, वीरता की गाथा सुनाता है ये राजस्थान। पद्मिनी जेतल कर्मावती जैसी नारियों की जौहर की याद को दिलाता है ये राजस्थान। देवराज गुजर, थैंक यू। अब एक और बंदा आप तक पहुंचाता हूँ कि गोरा बादल जेता कुंपा पीदा भीम सिंह जैसे वीरों की कुर्बानियों का राज्य है ये राजस्थान। चंद्रबदाई जैसे लोग हुए हैं यहाँ, उनकी मित्रता की मिसाल है ये राजस्थान, उनकी मित्रता की मिसाल है ये राजस्थान। और कितना बखान इस धरती का करूँ मैं अभी, हर क्षेत्र शक्ति में महान है ये राजस्थान। कम पानी कम पानी फिर भी वीर साहसी उपस्थे यहाँ, स्वर्ग से भी सुंदर सुखद राज्य राजस्थान। थैंक यू विशाल, देवराज, लोकेश। आगे और कुछ, तीन चार, चलो बढ़िया सर। आगे और पहुंचाता हूँ कविता आप तक पहुंचाता हूँ। विशाल थैंक यू, आज़ादी पर पहुंचाता हूँ सर एक पंक्तियाँ कुछ, आज़ादी पर मेरी कुछ पंक्तियाँ और पहुँचाता हूँ कि आज़ादी में किस प्रकार होगी। कि सस्ती नहीं है आज़ादी, इसकी कीमत अनमोल है, कि सस्ती नहीं है आज़ादी, इसकी कीमत अनमोल है, ना ही कोई मूल्य भाव ना ही कोई तोल है। आज़ादी का वृक्ष लगाया क्रांतिकारी वीरों ने, रक्त के कतरे कतरे से सींचा हिंदुस्तानी तस्वीरों ने। घटना विख्यात सुनाता हूँ उन प्यारे घटना विख्यात सुनाता हूँ आज़ादी के अफसानों की, आज़ादी को लहू से सींचा उन प्यारे दीवानों की। मंगल की बागी गोली ने अंग्रेजों को भून दिया, झांसी की तलवारों ने बगावत का जुनून दिया। कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मी बाई थी, हजारों क्रांतिकारियों सहित टोपे ने तलवार उठाई थी। 57 में ही आज़ादी मिल जाती, गोरों की बंदूकों व तलवारों से हम हारे थे आस्तीन के नाग, राजे महाराजे जैसे गद्दारों से। गद्दारों की अभी भी कमी नहीं है, पहले भी थे अभी भी है। खैर आप, मेरी एक अच्छी कविता आप तक पहुंचाता हूँ। एक सेटिंग, सेटिंग क्या होती है कि सेटिंग का है खेल निराला, सेटिंग से खुलता है ताला, सेटिंग से होता उजाला, सेटिंग से होता दिन काला। सेटिंग से बनते अधिकारी, कोई बने सेटिंग से कर्मचारी, सेटिंग कर सेटिंग से बनते आबकारी, ना चले सेटिंग तो बन जाते भिखारी। कि सेटिंग करने के लिए भी सेटिंग का होना जरूरी है,
कि सेटिंग करने के लिए भी सेटिंग का होना जरूरी है, बिना सेटिंग के सेटिंग मानो लक्ष्य से दूरी है, सेटिंग से ही लंबी दूरी चंद पल में तय हो जाती है, हो अगर सेटिंग तो मंजिल मिल जाती है, सेटिंग से ही सेटिंग के काम आती है, और ना हो सेटिंग तो सेटिंग की भी धज्जियाँ उड़ जाती है। आप भी जानते हैं कि हो अगर सेटिंग तो न्याय मिल जाता है, हो अगर सेटिंग तो नया आयाम मिल जाता है, सेटिंग से ही दुनिया में नए इतिहास बन पाते हैं, सेटिंग से ही भारत में आतंकी घुस जाते हैं, और सेटिंग से ही सेटिंग ही सेटिंग में उरी व पुलवामा जैसे हमले हो जाते हैं। कि सेटिंग हो प्रेमी की प्रेमिका से तो फरार हो जाती है, कि सेटिंग हो प्रेमी की प्रेमिका से तो फरार हो जाती है, हो दुश्मनों की सेटिंग हो गद्दारों से तो हार हो जाती है, हो अगर सेटिंग आमजन की मंत्री से तो मुलाकात हो जाती है, सेटिंग हो पुलिस की तो बिना हेलमेट के बात हो जाती है, और सेटिंग से ही सेटिंगों की गर्दनें काट दी जाती है, और हो सेटिंग से भी बड़ी सेटिंग तो सेटिंग बाजों की औकात बता दी जाती है। थैंक यू, थैंक यू। आगे कुछ और पंक्तियां पढ़ता हूँ, मित्र के लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ। मित्र, मेरे मित्र, कि माना माना तरक्की करने के बाद तुम नए नए दोस्त बनाओगे, कि माना तरक्की करने के बाद तुम नए नए दोस्त बनाओगे, फ्रांस इटली रूस जैसे देशों में फाइव स्टार में खाओगे, माना शिमला मनाली पेरिस जैसे शहरों में तुम जाओगे, माना जो न कर सके हासिल अब तक सब हासिल कर जाओगे, पर नए यारों के मद में पुराने यारों को मत भूलना यारो, माना 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 नए यारों संग धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ कमाओगे, पर नए यारों में पुराने यारों वाला कमीनापन कहाँ से लाओगे। थैंक यू। मेरे इस पंक्तियों से यही है कि आप आगे बढ़ने के बाद पुराने यारों को नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सर। विशाल, आगे सैनिक के लिए ऊपर एक पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक अच्छी उपमा दी है, अच्छी उपमा दे दियो तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे कमेंट। कि तू जब होता है शहीद इस माटी पर तो जान की कहानी इतिहास बन जाती है, कि तू जब होता है शहीद इस माटी पर तो जान की कहानी इतिहास बन जाती है, इतिहासों के पृष्ठों पर अंकित है वीर बाला जिनकी निशानी कुछ खास बन जाती है, जिनकी निशानी कुछ खास कुर्बान मेरे देश के लिए जवान होकर कुर्बान मेरे देश के लिए तिरंगा और महान बन जाते हैं, कफन में तिरंगा और महान बन जाते हैं, और आर्यों की अकड़ निकाल कर वादियों में देवों की सभा में भगवान बन जाते हैं। थैंक यू। बारिश का मौसम हो रहा है, आंधी आने की संभावना है। एक गद्दारों पे पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हर बार भारत माता हारी घर के ही गद्दारों से, हर बार भारत माता हारी घर के ही गद्दारों से, तन के बेड़ियां लगी रही इन गद्दारों की मारों से, चंद लालच में देश बेचकर दुष्ट दुशासन बने रहे, जख्म देकर भारत माँ को अय्याशी में ठने रहे, इतिहास खोल कर देखो तो अंकित घटना गद्दारों की, क्यों हारे थे राणा व कितने चौहानों के हार की हारों की, क्यों हारे थे राणा व कितने चौहानों के हारों की, आज़ादी के बाद भी देखो घटना कितनी दुखदाई है, हर बार जयचंदों ने अपने औकात दिखाई है, अब तो संभलो मोदी जी थोड़ी सीमा लांग दो, अब तो संभलो मोदी जी थोड़ी सीमा लांग दो, गर्दन काटो गद्दारों की लाल किले पर टांग दो। थैंक यू। मेरे कुछ पंक्तियां कोरोना वायरस पे, कि कोरोना वायरस ये इतनी भयानक रूप ले रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं।
कि मान मर्या, हमारी प्रकृति को हमने बहुत दुख कष्ट पहुंचाया, इंसान की भी, इंसान ने बहुत दुख दिया, उसकी हो सकता उसी का परिणाम हो। ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मान मर्यादा छोड़कर कुल की मांसाहारी बन बैठे, दुर्भाग्यपूर्ण नरनारी को भाग्यहीन समझ ऐठे, हम झूठ लोभ मद मोह लालच क्रूर कर्म से डूब मरे, मानव मानव नहीं मानव दानव का रूप धरे, आज प्रकृति दानव के विध्वंसक के किरदार में है, और दुष्टों के संहार में मानव रणचंडी के अवतार में है। थैंक यू। कुछ पंक्तियाँ मैं अपने माता पिता के लिए भी पढ़ देता हूँ, बहुत पहले लिखी थी मैंने, ये 11 दिसंबर 2019 को लिखी थी ये, कि जिस पिता ने ये ना पूछा कि तेरे खर्चों का अंजाम क्या है, कि जिस पिता ने ये ना पूछा तेरे खर्चों का अंजाम क्या है, पढ़ाई क्या, लिखाई क्या, स्टेशनरी क्या, तेरी फीस क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कराती हुई संतान दिखे, वो देख सके ना सुख मगर संतान सुख देख सके, और जिन माँ बाप के संस्कारों ने जिंदगी जीना सिखलाया है, उन्हीं माँ बाप की औलादों ने वृद्धाश्रम दिखलाया है, धिक्कार है ऐसे संतानों पे। और पढ़ता हूँ तो, कि जो मंदिर रखने लायक थे, जो मंदिर रखने लायक थे, वो माँ बाप रखे बंधक पर, संस्कारों की गर्दन काटती बापू जी के आंगन पर। थैंक यू। थोड़ी बहुत और पंक्तियाँ, उसके बाद टाइम वैसे और आप महेंद्र चौधरी साहब आ गए हैं ऑनलाइन, शुक्रिया सर महेंद्र चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टॉक की फेसबुक श्रृंखला में, जनसरोकार मंच। भगत सिंह के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं युवाओं के लिए भी, युवाओं को उन पंक्तियों के माध्यम से एक उपदेश देना चाहता हूँ, कि दुष्टों के संहार हेतु ईश्वर के अवतार बनो, कि दुष्टों के संहार हेतु ईश्वर के अवतार बनो, देश के कल्याण हेतु जनता के चौकीदार बनो, शत्रु का लहूपान करे ऐसी तलवार की धार बनो, और बहरों की नींद उड़ाने हेतु भगत सिंह सरदार बनो। थैंक यू भाई महेंद्र चौधरी। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तिरंगे के लिए पढ़ता हूँ, कि तिरंगे पर किनका हक होता है, तिरंगे को बात करने का, तिरंगे को कफन के रूप में लाने का किनका हक होता है, एक सैनिक का हक होता है जो कि अपने माता पिता परिवार को छोड़ के सरहदों की जान की परवाह नहीं करते हुए सरहदों पर तैनात रहता है, वह दूसरे उस खाकी वर्दी के नौजवान, उस खाकी वर्दी के जवान को तिरंगे का हक होता है जो कि समाज की हिफाजत के लिए थानों में तैनात रहते हैं। दोनों को मैं सैल्यूट करता हूँ व पंक्तियाँ सौंपता हूँ कि तिरंगा किन्हें मिलता है, कि यूं ही नहीं मिलता तिरंगा साहब, वतन की मिट्टी को दिल से लगाना पड़ता है, माँ भारती की सेवा में इंकलाब के सपने सजाना पड़ता है, और पर्वत घाटियाँ जंगलों में बेखौफ आगे बढ़कर रक्त की अंतिम बूंद तक मिट्टी का कर्ज चुकाना पड़ता है। थैंक यू। अब मैं कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। महेंद्र चौधरी लाइव हैं, मुझे खुशी हुई कि महेंद्र चौधरी आप आए। माँ के लिए 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, कि ना धन काम आता है ना दवा काम आती है, ना धन काम आता है ना दवा काम आती है, संकट की घड़ी में बस माँ की दुआ काम आती है, बस माँ की दुआ काम आती है। थैंक यू।
नारी पर पढ़ देता हूँ, एक नारी क्या है इस देश की नारी के लिए पढ़ देता हूँ मैं कि अरे जागो नारी जागो, तुम तो भारत की पहचान हो। कि जागो नारी जागो, तुम तो भारत की पहचान हो। पूरे जग में जगमग छाई भारत की शान हो। लक्ष्मी का अवतार हो जिससे संसार चलता है। घर में तुम्हारे होने से ही खुशियों का दीपक जलता है। तुम ही झांसी की मर्दानी, तुम ही पद्मिनी रानी हो। तुम ही झांसी की मर्दानी, तुम ही पद्मिनी रानी हो। काला काली बाई पन्ना धाय मीरा कृष्ण दीवानी हो। आकाश चीरती कल्पना चावला पर्वतारोही अपूर्णिमा हो। हिंद हिमालय तक फैली तुम भारत की सीमा हो। काली का तुम रूप धरकर हाथों में खप्पर भरती हो। मातृभूमि की सुरक्षा में हरा रानी बन शीश दान करती हो। सिंह सवारी दुर्गा हो तुम दुष्टों के संधान में। फिर भी नारी नहीं सुरक्षित मेरे हिंदुस्तान में। शुक्रिया। कितने समझे मुझे नहीं पता, समझ गए हो तो कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से। महाराणा प्रताप के चार दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। लिखा था मैंने महाराणा प्रताप की जयंती पर 9 मई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पे अगर मैं कविता कुछ पंक्तियां नहीं पढ़ूँ तो फिर क्या। कि राजे महाराजे मुगलों के चरण पखारे, वो पुरखों के स्वाभिमान पर अड़ा रहा। घास की रोटी खा करके भी देश भक्ति में गड़ा रहा। और गीदड़ धमकी बहुत मिली पर हार नहीं उसने मानी। पग पग पर पागल श्वान हुए पर अटल हिमालय सा अड़ा रहा खड़ा रहा। थैंक यू भाई विशाल महेंद्र। कुछ पंक्तियां और आप तक, एक दो पंक्तियां बस, अब लास्ट आ गया। टाइम भी हो गया है लगभग, टाइम क्या हुआ, टाइम हो गया आधा घंटा, 4:30 से ऊपर हो चुकी है। बस मैं अपना काव्य विराम करता हूँ, एक दो पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आपने मुझे इतना अमूल्य समय, आपने मुझे अपने अमूल्य समय में से कुछ टाइम दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। वह मेरी कुछ पंक्तियां थी, मेरी कुछ पंक्तियां कि हम आदमी हिंदू मुस्लिम इन दो धर्मों को लेकर रह जाते हैं, लेकिन एक सैनिक इन दोनों से ऊपर कैसे अपने हिंदुस्तान की हिफाजत का, हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं। कि बहा के हर रक्त का कतरा दिलों में अरमान रखते हैं। वतन की माटी को छूकर दिलों में स्वाभिमान रखते हैं। हम जाति पाति में पढ़कर खंडित देश को करते हैं। वो जाति धर्म से ऊपर अखंड हिंदुस्तान रखते हैं। शुक्रिया। अब मैं मेरी लास्ट पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे विदा कर दीजिएगा। कि बनना चाहते हो गर जय का सिकंदर। अरे धनराज जी सर बहुत देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुन लेना। आप आए इसके लिए खुशी हुई मुझे कि आप आए। कि बन अंतिम पंक्तियां निवेदित कर, उसके बाद टाइम हो गया तो मैं अपना काव्य विराम देता हूँ। कि बनना चाहते हो गर जय का सिकंदर, तो सोए हुए मन को जगा कर जगाइए। कि बनना चाहते हो गर जय का सिकंदर, तो सोए हुए मन को जगा कर जगाइए। एक तो विवेक में विवेकानंद जिंदा हो, और दूसरे भगत को जगा कर जगाइए। दूसरे भगत को जगा कर जगाइए। काव्य में करी हो मैंने बुरी बात माफ करे, बुरी बातों को तो इग्नोर कर जाइए। बुरी बातों को तो इग्नोर कर जाइए। बात में लगा हो दम थम थम नहीं, जोरदार तालियां बजा कर बजाइए। जोरदार तालियां बजाइए। मैं कमेंटों की बौछार आ जाए ऐसी, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत
देवेंद्र जी जोशी का, जोशी जी सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यह मंच उपलब्ध कराया और मेरे दोस्तों के बीच इस आने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।